नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि अब जो मार्केट का मूवमेंट आ रहा है वो कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्निकल और ऑप्शन चेन दोनों का मिक्स करके ही आ रहा है और इस मोमेंटम को हम पकड़ सकते हैं। तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ऑप्शन चेन में कैसा डाटा ऐड हुआ है और प्लस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी के कि उसमें हमारे पास कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आज की क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। देखिए 8281 की क्लोजिंग आई है, यहाँ पे 379 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है 4.38% का। तो देखते हैं कि ऑप्शन चेन में डाटा कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पुट राइटिंग और इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग। तो इंपॉर्टेंट पुट राइटिंग में एक तो आपका 7000 का लेवल है जहाँ पे कि आपको क्लियरली दिख रहा है 1090000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका 8000 का है जहाँ पे भी 1038000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसके बाद जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो 7500 की पुट पे है जहाँ पे कि 893000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी बड़े ओपन इंटरेस्ट हैं वो एक गैप में है, यानी 500 पॉइंट के निफ्टी के गैप में वो ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। अगर कॉल राइटिंग की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग आप देख सकते हो कि 9000 के लेवल पे हो रही है जहाँ पे कि 1393000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी हाईएस्ट जो राइटिंग हो रही है वो 10000 के लेवल पे हो रही है जहाँ पे कि 1770000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब देखने की बात सिर्फ इतनी सी है यहाँ पे कि हमारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए आज हम 8300 के नीचे जाके क्लोज हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है एक और इम्पोर्टेंट लेवल ओपन हुआ है, डेट इज़ द 8000। तो वो कैसे आ सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट को देखते हैं जल्दी से और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चार्ट है, यहाँ पे मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क किया हुआ है। इस इम्पॉर्टेंट लेवल को आप अपने चार्ट पे भी मार्क कर सकते हो, अपने जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो वहाँ पे जो चार्ट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको जब यहाँ पे जब ये गैप अप हुआ था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि निफ्टी करीब 9100 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो एग्जैक्टली इसने 9047 का हाई बनाया था, वहाँ से रिवर्सल आया। उसके बाद पूरा दिन इसने एक छोटी सी रेंज में काटता रहा। उसके बाद आज हम एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग में हमें जो रिकवरी देखने को मिली तो वो एग्जैक्टली आप ये देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर जोन था जिसको ये निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा था उस जोन के नीचे हम खुले थे। तो वो जो जोन तक कितना था, 8570 के आसपास का। तो एग्जैक्टली आज निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लिया वो इसी लेवल पे लिया और वहाँ से दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिला। अब होगा क्या, देखिए अगर आपको इस लेवल पे दोबारा निफ्टी मिलता है तो जाहिर सी बात है आप शॉर्ट करके काम करिए, आपको नीचे की साइड जो लेवल होंगे वो 8000 के आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो कि आप 8000 की पुट भी लेके होल्ड कर सकते हो, ये इस पर्टिकुलर जोन में दिखाई दे रहा है, क्लियरली आपको ये दिख रहा है। अब हो सकता है कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको ये डायरेक्टली लेवल हिट करता हुआ दिखाई दे तो फिर आपके पास ट्रेड के लिए कुछ ज़्यादा मौका नहीं बचेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपको दोबारा से यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल का जो लोअर एंड है वो 8000 का है, वो आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी के अंदर। सेम चीज़ जो लेवल मैंने बताया 8568, यानी आपको क्या करना है 8500 के आसपास आपको निफ्टी मिलता है तो आप वहाँ पे एक बार शॉर्ट कॉल लिख के काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, ऊपर निफ्टी इतनी तेज़ी से नहीं जाएगा जितनी तेज़ी से नीचे आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ है ये पुल बैक आया था, पुल बैक के बाद अब ये यहाँ पे कहीं ये कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा 8000 से लेके 9000 के बीच में। तो अगर ये कंसोलिडेट करता है बहुत अच्छी बात है, और अगर ये 8000 को तोड़ के नीचे जाता है तो समझ लीजिए फिर आपको एक बड़ी गैप, एक बड़ी डाउनसाइड भी है ओपन होती हुई आपको दिखाई दे सकती है, जिसमें कि 7500 तो आपका इमीडिएट बेसिस पे है आपका पहला टारगेट होगा, और अगर वो टूटता है तो 7000 आपका दूसरा टारगेट होगा। ये पिछले मैं 6-7 वीडियो से कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस पर्टिकुलर लेवल्स पर फोकस कर सको और अंडरस्टैंड कर सको। अब गैप अप ओपनिंग हमें क्यों मिल सकती है, इसके चांसेस ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि डाओ फ्यूचर करीब करीब 200 पॉइंट यानी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर डाओ में 2 या 3% का उछाल के साथ बंद होता है डाओ,
तो हमारे एक चांसेस है कि हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। और वो गैप अप ओपनिंग में आपको करना क्या है, अगर 8500 की अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप एक बार मार्केट को सेटल होके आप वहाँ पे एक शॉर्ट कॉल बना के भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी चला जाए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना है। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं डालनी है क्योंकि वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा है। आपको पता है 200 से 300 400 पॉइंट के जो मूवमेंट है, इसमें 100 150 पॉइंट का मूवमेंट तो कब आ जाता है पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए आपको हमेशा जो ट्रेड डालनी है वो स्टॉप लॉस के साथ डालनी है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन, अगर आपको 8500 की पोजीशन बनाने का अगर मौका मिलता है तो आप नेक्स्ट सीरीज या फिर मंथली सीरीज में भी आप 8000 की पुट लेके काम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर टारगेट जो 8000 का टारगेट है, इसको मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। तो 500 पॉइंट ऊपर जब आप 8000 की पुट लोगे तो जाहिर सी बात है सस्ती मिलेगी, और जैसे ही आपका वो टारगेट हिट होगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाने को मिल सकता है। इसीलिए आप मंथली सीरीज पे भी काम कर सकते हैं, और वीकली सीरीज पे जो काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। जो लोग फ्यूचर में कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है वो अपना स्टॉप लॉस लगा के ही काम करते होंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो इस तरीके से डिफाइन हुआ है, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल पर नज़र रखिए, आगे आने वाले दिनों में ये लेवल हो सकता है आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।